देखिए भैया, इस दुनिया में दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, टू टाइप्स। सबसे पहले तो हम देखिए, आपको मेन एक बेसिक बात करें, हम फिजिकल क्वांटिटी की आपसे बात करेंगे, फिजिकल। अब आप कहोगे ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? बेटा फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है फिजिकल क्वांटिटी की? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर कर सकें, मेजर मतलब नाप सके, जिनका मेजरमेंट हो सके, जिनको नापा जा सके। ठीक है, तो आप सब लोग लिखो, एक कॉपी रखे होगे ना, उस पर लिखो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज लिखा। डेट क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, जिनको हम नाप सकते हैं, विच कैन बी मेजर, जिनका मेजरमेंट लिया जा सकता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मास, साहब मास आप नाप सकते हो? 1 kg, 2 kg नाप सकते हो भैया मास? तो मास कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल। लेंथ, साहब पूछा जाए बताइए इस पेन की लेंथ कितनी है, आप बता सकते हो? हाफ फिट है, 1 फिट है, 2 फिट है, 3 फिट है, 4 फिट है। ठीक, टाइम आप बता सकते हो? 1 घंटे, 1 आवर, 2 आवर, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। ठीक है बच्चा, तो ये क्वांटिटीज सब फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, फिजिकल क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक पार्ट होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, लिखो वहां पर फंडामेंटल क्वांटिटीज, लिखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखा। और दूसरा टाइप होता है, सर जो मैं बोलूँ लिखते चला, ठीक, आपको बुकलेट मिल जाएगी बहुत जल्दी, कुरियर हो जाएगा आपको, तो आप लिख लो। दूसरा होता है डराइव्ड क्वांटिटीज, डराइव्ड, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डराइव्ड क्वांटिटीज। अब छोटी सी हेडिंग लिखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज, लिखो छोटी सी हेडिंग, लिखो दैट क्वांटिटीज विच आर वेरी बेसिक, वो क्वांटिटीज जो बहुत बेसिक होती हैं, विच आर वेरी बेसिक, बहुत बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, उनको कहते हैं फंडामेंटल। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, देखो लिखना सब लोग, जो एकदम बेसिक है, बेसिक। सबसे पहले जैसे मास, फिर लेंथ, देखा लेंथ, फिर टाइम, समय, देखा, फिर टेम्परेचर, देखा, फिर करंट, करंट, करंट। हाँ, इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को थोड़ा सा, लोग सोचते हैं कि चार्ज बेसिक क्वांटिटी है। नहीं, बच्चों चार्ज बेसिक नहीं है, करंट बेसिक है। चार्ज इज नॉट अ बेसिक, करंट इज बेसिक। ठीक है, हाँ, करंट को डिस्कवर किया था एम्पियर साहब ने, तो करंट बेसिक क्वांटिटी कंसीडर होती है, चार्ज बेसिक क्वांटिटी कंसीडर नहीं होती। ठीक है सर, तो सर आइए बात करते हैं इसके बाद, ये हो गई बेसिक क्वांटिटीज। अब दूसरी क्वांटिटीज आती हैं सर,
डेराइव्ड क्वांटिटीज। देखो दैट क्वांटिटीज, लिखो डेराइव्ड क्वांटिटीज, लिखो डेराइव्ड क्वांटिटीज, देखो दैट क्वांटिटीज विच आर डेराइव्ड, दैट क्वांटिटीज विच आर डेराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डेराइव करते हैं उसको कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे अब लिखो एग्जांपल, लिखो उदाहरण एग्जांपल, साहब एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी डेराइव्ड है, वो बेसिक नहीं है, डेराइव्ड है, वो लेंथ और टाइम से, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, शायद तुमने सुना हो, वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ और टाइम से मिलके बनी है। एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम, देखो मोमेंटम, प्रेशर, ये जितनी भी सारी क्वांटिटीज है ना, जितनी भी इन फंडामेंटल के अलावा, वो सब फिर डेराइव्ड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक, नोट किया, नोट कर लिया बच्चों? चलिए आगे चल रहा हूं। अब सर देखिए, फिर छोटी सी लिखिए डायमेंशन, देखिए डायमेंशन लिखा, डायमेंशन, चलो एक्चुअल डायमेंशन क्या है, दस डायमेंशन क्या है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज, इन्हीं इन क्वांटिटीज का जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं जो हम, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डायमेंशन कहते हैं। द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज इज नोन एज डायमेंशन। ठीक, सब जैसे सिंबल में रिप्रेजेंट करना, मास लिखना, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इज रिप्रेजेंटेड बाई एम, लेंथ, लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, टाइम, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। हाँ, इनिशियल लेटर यूज कर रहे हैं मैंने। अब इसमें देखो कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाएगा, टेम्परेचर, तो बच्चे कहेगा टेम्परेचर सर वो भी तो टी से रिप्रेजेंट करो, नहीं नहीं नहीं, टेम्परेचर को भी टी से रिप्रेजेंट कर देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, तो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा, थीटा से। ठीक, टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। करंट, वैसे तो सी से करना चाहिए ना, सी से नहीं करते, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर, उसकी यूनिट्स एम्पियर, ए से, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ए, एम्पियर, क्लियर? ठीक है बच्चा, तो ये डायमेंशंस हैं। हाँ, तुम लोग अगर जो ट्वेल्थ बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ, नीट में तो चल जाएगा, बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशली सुन लें आप लोग, आप जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो ये ब्रैकेट जरूर लगाएंगे आप, जो ब्रैकेट लगाया ना मैंने, ये जरूर लगाएंगे, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, डायमेंशन में ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है, बोर्ड्स में, नीट में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक, तो बोर्ड्स में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन हमको फाइंड करनी है, जैसे सर फाइंड करते हैं, आइए वेलोसिटी,
वेलोसिटी के डायमेंशन। तो बच्चा वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी यूनिट याद है ना आपको, मीटर पर सेकेंड। बाबू मीटर, मीटर यानी कि लेंथ, लेंथ सेकेंड यानी कि टाइम। तो डायमेंशन होगी एल अपॉन टी, बोर्ड में आएगा तो ब्रैकेट लगेगा। वैसे तो मैं तो नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ लेकिन बोर्ड के लिए भी बात करूंगा जरूर। तो ब्रैकेट में टी को ऊपर ले जाओ, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन और ब्रैकेट, ठीक है। ए एक्सेलरेशन की यूनिट पता है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है यूनिट, यहीं से डायमेंशन निकल आएगी। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर हो गया एल, सेकेंड स्क्वायर का टी स्क्वायर। इसको बच्चों ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, एल टी की पावर माइनस टू हो जाएगा। तो डायमेंशन होगी एल टी टू दी पावर माइनस टू, ठीक है सर। जैसे फोर्स, फोर्स की डायमेंशन निकालनी हो, फोर्स, फोर्स होता है बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला याद है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बाबू मास, मास की डायमेंशन कितनी एम, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी, अरे एक्सेलरेशन ये निकाली ना एल टी माइनस टू, यहाँ रख दूँ एम एल टी माइनस टू। तो ये फोर्स की डायमेंशन हो गई, कुछ दिनों में तुमको याद हो जाएगी करते करते, एम एल टी माइनस टू, ठीक। बच्चों क्या मोमेंटम की डायमेंशन निकाल पाओगे, मोमेंटम निकालो, खुद निकालो, वैसे लिखा है तुम लोग खुद करो, 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। मोमेंटम नाम सुना है, फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम। तो डायमेंशन निकालो जल्दी से, निकाला तो मास, मास एम हुआ, वेलोसिटी, वेलोसिटी डायमेंशन कितनी है, वेलोसिटी एल टी माइनस वन है, एल टी माइनस वन है, यहाँ रख दो एम, वेलोसिटी की जगह एल टी माइनस वन, तो डायमेंशन क्या आएगी एम एल टी माइनस वन, ठीक है सर। इम्पल्स, इम्पल्स का नाम सुने हो, इम्पल्स, कोई नहीं फॉर्मूला नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल में सिर्फ फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, जैसे चैप्टर आएगा फॉर्मूला उसमें आएगा तुम अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो बहुत लोड मत लो, इम्पल्स उसको याद रखो फिलहाल, फिलहाल ठीक। इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स इंटू टाइम दैट इज इम्पल्स। फोर्स की डायमेंशन बोलो, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन निकाली ना हमने, ये देखो निकाली एम एल टी माइनस टू, फोर्स की जगह मैं रख दूं एम एल टी माइनस टू, फोर्स की जगह, और इनटू टाइम, टाइम की जगह टी रख दूं, तो बताओ कितना हो जाएगा ये एम एल और टी की पावर माइनस टू ये, और टी की पावर वन ये है, तो कितना आ जाएगा टी की पावर माइनस वन, तो एम एल टी की पावर माइनस वन, दिस इज डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। क्लियर है सर, समझ गया भैया, समझ में आ गया सबको, क्लियर हो गया। तो एम एल टी माइनस वन डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, ठीक, नोट किया, नोट कर लिया बच्चा, चेंज कर दूं पेज, चलिए सर इम्पल्स हो गया। आइए कुछ डायमेंशंस पे और बात करते हैं, आप कोशिश करिएगा मैं आपको दूंगा, फटाफट सॉल्व करिएगा, लास्ट टर्न वाला है सब चीजें। सर डायमेंशन निकालिए वर्क की, वर्क की डायमेंशन सब लोग फाइंड करो, वर्क की डायमेंशन सब लोग फाइंड करो, वर्क
निकाला? फॉर्मूला नहीं पता, मैं बता दे रहा हूँ, वर्क की डायमेंशन निकाल लो। फॉर्मूला होता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी होता है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एफ इंटू डी निकालो फटाफट। कितनी डायमेंशन आई? निकाला? चलो, इन बच्चों का नहीं हुआ देख लो। एफ हो गया, एफ अभी निकाला था, एम एल टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी बच्चे ने आंसर दिया है मुझे? हाँ, एकदम सही है, वेरी गुड सनी शर्मा जी, बहुत बढ़िया, गुड। तो एम एल टी माइनस टू, और डी कितना हो गया बच्चों? ए, ट्वेल्थ वाले हो ना, ट्वेल्थ वाले तो ब्रैकेट जरूर लगाना, एल, ठीक। बताओ कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये आ गया वर्क। अरे गुड मेरे लाल, बहुत बढ़िया, जियो, वो सही कर रहे हो, ठीक, अच्छा कर रहे हो बच्चों। सर वर्क के बाद एक 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 फॉर्मूला, एक वर्ड सुने हो, टॉर्क? हाँ, हिंदी में बोलते हैं बलागुण, टॉर्क। फॉर्मूला नहीं पता, भूल गए, लिख दूं? निकालो डॉ, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, आर डिस्टेंस ही होती है, टॉर्क एफ इनटू आर, निकालो फटाफट। कर लो कर लो, सही करोगे यार, वेरी गुड। एफ एफ हो गया, एम एल टी माइनस टू इंटू आर, आर कितना हुआ बच्चा? आर तो लेंथ ही कहलाती है, मोमेंट आर्म कहते हैं आर को, क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म, हिंदी में आघूर्ण भुजा। तो कितना हो जाएगा? एल, बताओ कितना आएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सेम एज वर्क, जो डायमेंशन वर्क की है वही सेम डायमेंशन टॉर्क की है, तो ये एक पेयर बन जाता है, दिस इज अ पेयर। वर्क हैव द सेम डायमेंशन एज द टॉर्क, वर्क की डायमेंशन और टॉर्क की डायमेंशन सेम होती है मेरे लाल, दिमाग में रखना। एक अच्छा, एक बात और बता दूँ यहीं पर बाबू, सनी शर्मा, थोड़ा मिस्टेक कर दी, हमें लग रहा टॉर्क वाले में, बच्चा एम एल स्क्वायर आएगा, ठीक है, एम एल स्क्वायर आएगा, थोड़ा सही कर लेना, ठीक। तो बाबू एक बात और लिखो यहीं पर, थोड़ा स्टार बना के लिखना, स्टार बना लो उस जगह पर, लिखो, देखो मैं भी रेड कलर से लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बहुत है बात। जो डायमेंशन वर्क की है ना वही एनर्जी की भी होती है, और एनर्जी एनी टाइप, एनी टाइप, किसी भी तरीके की एनर्जी, ध्यान रखना, घबराना नहीं। एनी टाइप में मतलब चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे मैग्नेटिक एनर्जी हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी हो, अबे कौनो एनर्जी हो, कौनो एनर्जी हो, एनर्जी अगर है तो डायमेंशन यही होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, क्लियर है बेटा? बस मैं कह रहा हूँ जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहना, वादा कर रहा हूँ फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। बस बच्चों जितना मैं पढ़ाऊँ उतना तैयार करते रहना और मेरे हिसाब से चलते रहना, ठीक। चलो अब एक जो डायमेंशन और निकालते हैं, फॉर्मूले शायद तुम्हें ना पता हो, ठीक, कुछ नहीं, फॉर्मूले मैं लिख दूंगा, तुम ट्राई करना, ठीक है, ठीक है। एक डायमेंशन बच्चा आती है एंगुलर मोमेंटम,
हिंदी में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम को कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर शायद जे से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे रोटेटरी मोशन में आएगा एंगुलर मोमेंटम, पूरा डिटेल जाऊंगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला फिलहाल लिख दे रहा हूँ, फिलहाल, ठीक। मान लो सॉल्व करना, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, दिस इज फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर। डायमेंशन निकालो, 30 सेकंड का टाइम, 40 सेकंड ले लेना यार, निकालो सब लोग, सब लोग निकालो, एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन फाइंड करो। चलो मैं बताऊँ, करा तुम लोगों ने, चलो चेक करो किसका सही किसका गलत, ठीक है। देखो एम हो गया मास, वी है वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब हो गया अभी भी निकाला था एल टी माइनस वन, और आर हो गया रेडियस, हो गया एल, ठीक है। बताओ कितना आएगा, ये आएगा मुझे लग रहा है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, एम एल स्क्वायर। अरे वेरी गुड आयशा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आयशा ने एकदम सही जवाब दिया। एम नहीं, एम स्क्वायर कर दिया क्या? नहीं नहीं आयशा थोड़ा गड़बड़ हो गया बच्चा, एम स्क्वायर नहीं होगा, एम आ रहा है, चेक करो, चेक करो कैलकुलेशन, चेक करो, एम एम वेलोसिटी एल टी माइनस वन आर, तो ये एम एम रहेगा और ये एल और ये एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा और ये टी की पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन, हाँ खान स्वयं ने एकदम सही, वेरी गुड भाई खान, बहुत बढ़िया। और जिसका नहीं निकला वो देख लो, चेक कर लो, जो मिस्टेक हो गई है उसको क्लेरिफाई करो कि क्या गलती करी, ठीक। हाँ मैं बात नहीं कर पा रहा, नहीं तो बात करके तुमसे पूछता कि क्या मिस्टेक हुई तुमसे, ठीक। जल्दीबाजी नहीं करो, आराम से आराम से, मेरा इतिहास इतिहास गवाह है, पूरे इंडिया में सबसे पहले मैं ही सिलेबस ख़त्म करता हूँ, इतिहास गवाह है सर, ठीक है। तो इसलिए बहुत लोड नहीं लेना, मैं ऐसे आराम आराम से पढ़ाऊँगा, एकदम मस्ती से, मस्ती से पढ़ेंगे हम लोग। फिजिक्स से ज़्यादा आसान सब्जेक्ट कोई है नहीं, बस 4 महीने का टाइम देना, तुम खुद कहोगे सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री से ज़्यादा समझ में आता है, मज़ा आता है फिजिक्स करने में, मज़ा आता है फिजिक्स करने में, तुम खुद कहोगे, मैं ज़बरदस्ती नहीं करवाऊँगा। लेकिन आराम आराम से करो, जल्दी जल्दी को जल्दीबाजी कोई नहीं है, जीवन में जल्दी का काम शैतान का काम, आराम से एकदम रिलैक्स, ठीक। मेरे साथ इन्वॉल्व हो, जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इन्वॉल्व जरूर हो, ठीक है। चलो साहब, एंगुलर मोमेंटम के बाद एक डायमेंशन बाबू निकालने जा रहे हैं, प्लैंक कांस्टेंट। नहीं पढ़े होंगे कई बच्चे, नहीं पढ़े होंगे जो 12th पास आउट एक आध बैठे हैं वो पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे। प्लैंक कांस्टेंट मेरे लाल होता है मॉडर्न फिजिक्स में, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। एक फॉर्मूला होता है, मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला होता है बच्चा, E इज इक्वल टू एच न्यू। हाँ ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़े ना तो अभी हम बता दे रहे हैं क्या क्या है। वेयर E इज एनर्जी, E एनर्जी होती है, H होता है प्लैंक कांस्टेंट, और बच्चा न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बोले तो हिंदी में, ठीक। ए फ्रीक्वेंसी एक बार देख लो, शायद तुम्हें याद आए थोड़ा सा, फ्रीक्वेंसी बच्चा मेरे लाल, फ्रीक्वेंसी जो है न्यू, न्यू इज इक्वल टू 1/ टाइम पीरियड होता है, 11th में पढ़े होगे SHM चैप्टर में, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/ टाइम पीरियड, हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, आवृत्ति इज इक्वल टू 1/ आवर्तकाल, याद आया बाबू। डायमेंशन जरा इसकी निकालो फ्रीक्वेंसी की, ए T
ये नीचे वाला टी तो टाइम है, ये ऊपर चला जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, न्यू इज इक्वल टू टी टू द पावर माइनस वन। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन है। ठीक, अगर आप इजाजत दें, अगर आप कहें तो ये सारी डायमेंशन मैं यहाँ रख दूँ। फ्रीक्वेंसी एच की निकालनी है, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करनी है, प्लैंक कांस्टेंट फाइंड कर रहे हैं बच्चा, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन ये रही, यहाँ रखें, और एनर्जी की जगह एनर्जी की डायमेंशन रखें। ये एनर्जी निकाल चुके हैं यार हम ऊपर, ये देखो वर्क एनर्जी, ये फाइंड करें, देखो भाई क्या डायमेंशन आई थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये यहाँ रख लें। सब लोग करो सॉल्व, देखो क्या आ रहा, सॉल्व करो सब लोग, 30 सेकंड का टाइम, सॉल्व करो। सारी डायमेंशन को एच निकालना है, एक बता दूँ एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल टू ई अपॉन न्यू आ जाएगा, न्यू नीचे ले आना यहाँ से, ऐसे निकालो सब लोग, देखो कोई जल्दीबाजी नहीं, सब लोग आराम से करो, निकालो। क्या मैं करूं, ई हो गया एम, बच्चे दे रहे, कर लो कर लो कर लो, दे दो आंसर। हाँ सतीश, बहुत बढ़िया, सतीश का भी सही है, आयशा का भी सही है, वेरी गुड वेरी गुड, और श्वेता सोनकर का भी सही है, अरे वेरी गुड बच्चों, बहुत सही, वेरी गुड, बाकी लोगों का भी, भूपेंद्र, अरे बहुत सही यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हो, गुड। न्यू की जगह टी टू द पावर माइनस वन करेंगे, वेरी गुड, इसको टी टू द पावर माइनस वन को ऊपर लेके जाएंगे। हाँ जिन लोगों को बच्चों पावर आवर वाले कैलकुलेशन में दिक्कत हो, जिन लोगों को पावर वाले कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, वो लोग टी की पावर प्लस वन हो जाएगा, अरे माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, पावर जुड़ जाएगी ना माइनस वन। अगर आपको बेसिक मैथ्स में बहुत दिक्कत हो रही हो बच्चों, देखो पहले बता दूँ, कुछ बच्चों को पावर आवर के जोड़ने घटाने नहीं आते हैं, डिवीज़न डिवीज़न नहीं आते हैं, ठीक, उन लोग के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, फिज़िक्स आराम से, फिज़िक्स आराम से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, फिज़िक्स आराम से, इस पर चले जाना, ठीक है, इस पर ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो 6th 7th 8th की मैथ्स है वो सब मैंने सिखाई हुई है, क्योंकि क्या होता है ना कई बार यार बच्चों को नहीं आता, और बच्चा बेचारा किसी से पूछ भी नहीं पाता, उसे शर्म आती है, कोई दिक्कत नहीं, शर्माने काम नहीं, शर्माना भूल जा, मैंने सब सिखाया हुआ है, आप पढ़ लेना जाके, ठीक है। हाँ तो कितना है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एक बात गौर करो, बहुत बच्चा, बहुत अच्छा बच्चों ने किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, सब ने मैक्सिमम सही आंसर दिए। बाबू एक बात गौर करो, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन बताओ क्या सेम आ रही है, यस एब्सोल्युटली सेम। नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कम से कम 4 बार, एम्स से पूछा गया है 2 बार कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन किसके जैसी सेम होती है, तो आंसर होता है एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन के सेम होती है, ये भी एक ग्रुप बन गया देखो, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन सेम, वर्क और टॉर्क की डायमेंशन सेम, थोड़ा दिमाग में रखो कि चट से आंसर लगा दोगे वहाँ पे, ठीक है, दिमाग में रखना थोड़ा सा, ठीक बच्चों, सेम ग्रुप होते हैं डायमेंशंस के, सेम डायमेंशन होती है इनके।